इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन के बारे में बता रही हूँ। तो देखिए ये ब्लाउज है और ये इसका अस्तर है। ड्राफ्ट अस्तर पर कर लेते हैं। देखिए इसकी ब्लाउज की लंबाई जो ली है 14.5 इंच ली है और ये 36 का है, 11 इंच लिया है। देखिए तैयार करेंगे तो 9 इंच आएगा फोर्थ भाग। और इसके मुड्ढे मैंने 6 इंच लिए हैं और इसका शोल्डर भी 6 इंच लिया है। अभी नेक लेते हैं तो देखिए इसमें मैं थोड़ा सा ब्रॉड रखूँगी इसको, तो शोल्डर से 3 इंच ले रहे हैं क्योंकि इसमें डोरी लगाने वाले हैं। अगर आप डोरी नहीं लगा रहे हैं तो 2.5 इंच ले लें और यहाँ से आप लंबाई ले लें। जितना आप डीप पहनते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। जो मैं ले रही हूँ आप उससे कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो इसमें पैच भी आने वाला है तो मैंने इसको 11.5 इंच ले लिया है। तो इस तरीके से 11.5 इंच की लंबाई में एक बॉक्स बना दिया है। अभी शेप दे देते हैं। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा शोल्डर की तरफ जाएंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके का ये ड्राफ्ट रहेगा। अब इसी ड्राफ्ट पे इसको कट कर। अभी ये देखिए कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो ये ड्राफ्ट रखा है इस ड्राफ्ट को रख के कैनवास कट कर लेते हैं। कैनवास ले लिया है और जो ये ड्राफ्ट था नेक का इसको रख लिया है। अंदर का सेम रहेगा, बाहर 1 इंच ले लेंगे चौड़ाई। सिलने का तरीका बताती हूँ। नीचे मैंने सीधा ब्लाउज रख दिया है, इसके ऊपर अस्तर और देखिए जो कैनवास कट किया है वो रख दिया है। यहाँ से लेके हम पूरा इसको यहाँ तक स्टिच कर लेंगे, कमर में भी स्टिच करेंगे, फिर नेक को कट करके इसको पलट देंगे। अभी जो डिज़ाइन देने वाले हैं उसके बारे में बताती हूँ। तो देखिए अभी जो नेक का ड्राफ्ट बचा है कैनवास का, इसको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर देती हूँ और यहाँ पर इसको एक जैसा कर देते हैं। इसको बीच में से डबल फोल्ड ऑलरेडी कर रखा है हमने, अभी इसकी डिज़ाइन देते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर 2 इंच पे मार्किंग कर देंगे और मार्किंग यहाँ से लेके इस तरीके से इसकी शेप दे देंगे। कटिंग कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके का ये ड्राफ्ट रहेगा और इसको एक तरफ हमारा अस्तर आ जाएगा और एक तरफ हमारा ब्लाउज का कपड़ा आ जाएगा इस तरीके से। देखिए जैसे मैंने बताया था, इस नेक को मैंने स्टिच कर लिया है देखिए, और नेक था उसको कट कर दिया है, कमर में भी स्टिच डाल दिया है और देखिए शोल्डर से 3 इंच पे मैंने डोरी भी अटैच कर दी है। अभी हम इसको पलट के फिनिशिंग दे देते हैं। तो देखिए आपको यहाँ से इस तरीके से इसको पलट देना। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्लेट की जो मार्किंग की थी प्लेट भी स्टिच कर दी है और इसकी नेक की फिनिशिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसको साइड में रख देते हैं। और देखिए अभी हमने जो ये पैच कट किया था और इसको अस्तर के साथ मैंने यहाँ पे स्टिच डाल दिया है। और देखिए अभी हम यहाँ पे जो हमने ट्रायंगल के लिए कपड़ा कट किया था, तो पहले ट्रायंगल तैयार करते हैं उसके बाद फिर इसमें अटैच करेंगे। तो देखिए इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और एक फोल्ड करेंगे यहाँ पर और देखिए फिर से एक फोल्ड कर देंगे और एक, तो ये इस तरीके का ट्रायंगल हमारा तैयार हो जाएगा। सिलाई डाल देते हैं। इसी तरीके से मैंने सभी ट्रायंगल तैयार। अभी ट्रायंगल को अटैच करते हैं। देखिए ये अस्तर वाला पार्ट है, अब हम ट्रायंगल को यहाँ पे इस तरीके से रख लेंगे। ट्रायंगल सीधा रखा है, अगर आप ब्लाउज का कपड़ा है ऊपर तो ट्रायंगल को आपको इस तरीके से उल्टा रखना है। ये अस्तर है इसीलिए मैंने इसको सीधा रखा है। तो यहाँ पर 1.5 इंच के आसपास छोड़ देंगे मार्जिन के लिए और स्टार्ट करते हैं स्टिच। देखिए इस तरीके से ये हमारे ट्रायंगल कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जो इसका कपड़ा ले रहे हैं हम उस पर अटैच कर लेते हैं। तो देखिए ये नेक का ही ड्राफ्ट है, इसको अभी हम इस तरीके से उल्टा रख लेंगे और अभी हम सेम शेप में इसको स्टिच कर देते हैं। तो देखिए इसको स्टिच कर दिया है और इसको कट कर दिया है, अभी इसको पलट देते हैं। अब देखिए पलटे तो हमने ये ट्रायंगल जो है हमारे, अभी ये सीधी तरफ हमारे आ चुके हैं। अभी किनारे पर स्टिच डाल देते हैं। तरीके से इसकी फिनिशिंग आ चुकी है और देखिए मैंने ये गोल्डन लेस ली है, तो इस लेस को मैं यहाँ पे इस तरीके से स्टिच कर दूँगी एक लाइन और एक लाइन थोड़ा गैप देके। देखिए ये पैच भी तैयार हो चुका है और देखिए हमारा ब्लाउज भी तैयार हो चुका है। अभी हम इसको ब्लाउज में अटैच करते हैं। तो देखिए ये जो शेप है हमारी, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ब्लाउज को भी डबल फोल्ड कर लेंगे बीच में से
और इसका भी एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे। अभी इसको इस तरीके से खोल देते हैं और देखिए हमारा जो ये ड्राफ्ट है इसको यहाँ पे इस तरीके से रख लेंगे। तो जो दोनों पॉइंट हैं हम पॉइंटों को इस तरीके से रखने के बाद अभी इसको पिन अप कर देते हैं। तो एक पिन तो हम यहाँ पे इस तरीके से सेंटर में लगा देंगे और एक पिन हम यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरीके से ये पिन अप हो जाएगा। तो देखिए ये इस तरीके से हमारा तैयार हो चुका है। अभी हम यहाँ पर जो लेस हमने यहाँ पर स्टिच करी है इसी लेस को नेक में भी स्टिच कर देंगे और एक लाइन कमर में। तो देखिए मैंने लेस जो है पूरे नेक में भी स्टिच कर दी है, एक कमर में भी स्टिच कर दी है और देखिए यहाँ पे मैंने एक गोल्डन कलर का बटन लगा दिया है और जो ये ट्रायंगल लगाए थे यहाँ पे मैंने एक एक मोती स्टिच कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रायंगल भी आ रहा है, ये मोती भी आ रहा है और यहाँ पर हमारी ये लेस आ रही है डबल लाइन। तो काफ़ी सुंदर लुक आ रहा है इसका। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन बना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।